बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास खबर से आप लोगों को आशना करेंगे। और ये अच्छी खबर है क्रिकेट के दीवानों के लिए। कश्मकश में थे कुछ दिनों से, आप लोगों के सवाल भी बहुत ज्यादा आ रहे थे कि क्या सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर T20 वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा। तो इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं, ICC की तरफ से अभी तस्दीक कर दी गई है और ICC की तरफ से बताया गया है कि इंशाल्लाह अज़वजल 17 अक्टूबर 2021 से लेके 14 नवंबर 2021 तक UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वर्ल्ड कप T20 के मैचेस होंगे। जी हां, अभी आप लोग देख सकते हैं ICC की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है और ICC की तरफ से बताया गया है कि रवां साल जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होना था, लेकिन इंडिया के अंदर बढ़ते हुए केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी परेशानी है इंडिया के अंदर। तो इसके पेश नज़र अभी ICC की तरफ से ये डिक्लेरेशन कर दी गई है कि इंशाल्लाह अज़वजल 2021 का वर्ल्ड कप सल्तनत ऑफ ओमान और UAE के अंदर होगा और इंशाल्लाह जो क्वालिफाइंग के जो मैचेस हैं वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मुनक्कत होंगे, क्योंकि ये अभी ICC की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बहुत ही खास खबर थी और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर से सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप मुनक्कत हो, आमीन इंशाल्लाह। तो ये इस वक्त की खास खबर थी, इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोग को देंगे। राफिज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।